दोस्तों अगर हमें गेमिंग पसंद है तो हमें इंतज़ार रहता होगा लेटेस्ट कंसोल का, चाहे वो एक्सबॉक्स 2 हो या PS5। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या है फीचर्स PS5 के। दोस्तों इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोई भी लीक्स नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बल्कि ये सोनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन पब्लिश की है। अब यहाँ पे अगर हम PS5 के जो कंट्रोलर्स की बात करें, क्योंकि सोनी ने जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखी है इस टाइम वो अपने कंट्रोलर्स की जो खूबसूरती है उसको रखी है। यहाँ पे कंट्रोलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, जहाँ हमें पहले देखने को मिलते थे PS3 और PS4 में कंट्रोलर्स वो काफ़ी ज़्यादा एक हद तक एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब जो कंट्रोलर आए हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक हैं और मज़ेदार हैं देखने में। तो दोस्तों यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि RGB लाइट्स उन्होंने फिट किए अंदर, जिसे हम अपनी मर्जी से कस्टम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे RGB में बहुत सारे उन्होंने कलर्स दिए हैं, मतलब 13-14 कलर्स दिए हैं, जिसमें डबल कलर्स भी आ जाते हैं, हम अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व किया है जो कंट्रोलर को चार्जिंग को लेके थी, क्योंकि कंट्रोलर की चार्जिंग बहुत कम चलती थी अगर हम खेल रहे होते थे, और जब हम गेम इंजॉय कर रहे होते थे तब वो ऑफ हो जाती थी। लेकिन अब जो सोनी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो चार्जिंग है वो बहुत ही ज़्यादा चलेगी, तो यह हमें एडवांटेज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है PS5 का वो ये है कि जो इसका साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, जिसमें हमें मुश्किल होती है उसे सेटअप बनाने में। दोस्तों यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बनाई गई PS4 के मुकाबले। अगर हम इसे कंपेयर करें PS4 से तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता, और अगर हम करें PS4 के साथ तो भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों सोनी का ये भी मानना है कि जो PS5 में हमें लोडिंग देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप GTA 6 वगैरह खेलते हैं जो अपकमिंग बहुत ही हैवी गेम है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड की ही आपको लोडिंग देखने की मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सोनी ने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है वो ये है कि इसमें लोडिंग आपको नहीं देखने की मिलेगी। शायद क्या पता वो उन गेम्स की बात कर रहे हैं जो उन्होंने अंदर ऑफिशियल लॉन्च की हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी मेमोरी के बारे में बात करें तो इसके अंदर इंटरनली उन्होंने SSD अंदर फिट की है, जो कि चेंज नहीं हो सकती, चेंज आप कर सकते हैं लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। दोस्तों यहाँ पे हर PS5 के लिए अलग SSD होगी, और साइज़ का जो प्रॉब्लम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 850 GB है, मतलब 1 TB के करीब ही है। दोस्तों ये बहुत एक हमें एडवांटेज है PS5 का। अब दोस्तों यहाँ पे जो PS5 की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंज कर दी है, और दोस्तों एक बहुत ही एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फ्री में गेम्स खेलते थे। अब PS5 में आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको सोनी की जो ऑफिशियल गेम्स हैं वो भी खरीदनी पड़ेंगी, चाहे वो कितनी एक्सपेंसिव हो। इस वजह से कुछ हमें डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिल रहे हैं PS5 में, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही रियलिस्टिक सी है। दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो PS5 है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने जा रही है एक्सबॉक्स के मुकाबले में। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।